मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दो बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। एक तो दिल्ली के द्वारका में यशो भीम नामक इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस IICC, एक बहुत बड़ा यानी एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल का उद्घाटन किया, और इसके बाद PM विश्वकर्मा योजना को लागू किया। तो वो वही उसी कन्वेंशन सेंटर में था, और उसी कन्वेंशन सेंटर में बेसिकली वो एग्जीबिशन के लिए होगा। तो वहाँ आज जो विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं उन लोगों की एग्जीबिशन बनी हुई थी, तो प्रधानमंत्री ने उनकी एग्जीबिशन भी देखी और उसके बाद उनको संबोधित भी किया। तो पहले बात करते हैं जो कन्वेंशन सेंटर बना है उसकी। तो आज प्रधानमंत्री सुबह ही दिल्ली में जो एक्सप्रेस दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस लाइन है उसमें धौलकुआं से बैठे और लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की। फिर वो छोटे बच्चों को चॉकलेट भी दी और फिर वो द्वारका कन्वेंशन सेंटर के जहाँ वो गार्डन के वापसी फिर मेट्रो से आए। तो आज उन्होंने अपने जन्मदिन लोगों के बीच मनाया, लोगों ने हैप्पी बर्थडे ये सब बोला उनके लिए। तो ये बड़ा अच्छा एक माहौल था। तो ये जो यशोभूमि की खासियत है, एक तो 5400 करोड़ रुपये का बना है, बहुत बड़ी रकम थी, 5400 करोड़, 5400 करोड़, 73,000 वर्ग मीटर में ये फैला है। इसमें 15 कन्वेंशन रूम है और 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है इसमें, और टोटल इसमें 13 बैठक कक्ष है, यानी 13 बैठक एक साथ हो सकती है, और 6,000 मेहमान एक साथ पूर्ण एक हॉल में बैठ सकते हैं, और 2500 मेहमानों की मेज़बानी वाला पैड बाल रूम है, और 8 मंजिला इसमें है जिसमें टोटल बैठक जो होंगे हर रूम में, हर फ्लोर में है तो 13 है, और 3000 से अधिक कारों के लिए हर पार्किंग है, और 100 से अधिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है। तो ये असल में एक ऐसे कन्वेंशन हॉल की ज़रूरत है, जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान है, तो प्रगति मैदान में अब तक जितने कन्वेंशन जितने भी एक्सपो होते हैं प्रदर्शनियाँ लगती हैं प्रगति मैदान में लगती है, पर चूँकि प्रगति मैदान में भीड़ भाड़ हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इसलिए ये प्लान था कि प्रगति मैदान को कहीं दिल्ली के दूसरे कोने में ले जाया जाए जहाँ केवल बिजनेस की बातें होंगी और पब्लिक जिसको जो डेडिकेटेड है जिनको देखने जाने वही जाएंगे, फालतू लोग घूमने के लिए नहीं जाएंगे। तो उस हिसाब से ये सब हमें बना है, और ये सब हमें बहुत ही खूबसूरत बना है। इसकी जो छत है और छत में जो LED पैनल लगा हुआ है वो देखने लायक बहुत खूबसूरत है। इसमें रंग बिरंगे पैनल में आप चला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तमाम चीज़ें। ये जन्मदिन पर उन्होंने तोहफा दिया है, और आज ही उन्होंने फिर जो विश्वकर्मा स्कीम है उसकी उन्होंने घोषणा की, और ये बहुत बड़ी स्कीम है क्योंकि ये OBC समुदाय के लिए, और उसमें 18 श्रेणियों के शिल्पकार हैं जो अपने हाथों से परंपरागत ज्ञान से अपना काम करते हैं, और इसमें जो 18 लाभार्थी हैं उनमें कौन कौन है इनको भी थोड़ा समझ लीजिए। इसमें एक तो आपके बढ़ई नाव निर्माता, कवच निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल फिट निर्माता, ताला बनाने वाले सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई बनाने वाला, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने वाले, जाल बनाने वाले, ये 18 तरह के लोग हैं जिनको इस स्कीम में शामिल किया गया है। और जो ये स्कीम है बेसिकली इस स्कीम में इन लोगों को लोन दिया जाएगा, और इसमें जो स्कीम है
कि ₹15,000 की एक तो सहायता दी जाएगी, इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं आपके वो उसमें मदद दी जाएगी, और रियायती 5% की ब्याज दर पर ₹2,00,000 तक का ऋण दिया जाएगा। और जब उसको उस ऋण को आप चुकता करते हैं तो आपकी ऋण लेने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो ये असल में इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो वोकल फॉर लोकल, उन्होंने कहा कि ये स्कीम्स केवल उन्हीं के लिए है जो मेड इन इंडिया भारत के लिए भारतीय सामान से बनाएंगे, उनको स्कीम दी जाएगी, यानी चीन से या दूसरी जगह से लाके तो नहीं मिलेगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये उन हुनरबाजों के लिए जिसका ज्ञान सीमित रह जाता है या पैसे की कमी के कारण वो अपने ज्ञान को उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये विश्वकर्मा स्कीम है, फिर ये चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में लगभग 65% OBC है, हालांकि आरक्षण 27% है, लेकिन अगर हम जनगणना करें तो इसमें करीबन 67% OBC है। तो इतने बड़े समाज का वोट बैंक है, उसको आकर्षित करना भी जरूरी था। 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री को चुनाव जीतना है। मित्रों आज आपको पता है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, और इसमें सरकार ने 4 बिल और 75 साल की जो यात्रा है उस पर डिस्कशन की बात कही है। लेकिन लेकिन सब लोगों को लगता है कि कुछ नई चीज़ सरकार इसमें ज़रूर लेके आएगी, जो रिवाइज्ड एजेंडा लेके आती है। तो सर ऐसे एक आशंका थी कि लोगों को कि महिला आरक्षण बिल लेकर आ सकती है सरकार, तो अपोजिशन ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आए, और सब लोग उस पर सब लोग उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने बहुत खुले मन से कहा है, और उन्होंने अपने जो हैदराबाद कन्वेंशन उनकी CWC मीटिंग, वहाँ उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया, और दिल्ली में अधीर रंजन चौधरी शामिल हुई, तो उन्होंने कहा कि आप इसको लाना चाहिए। और जो पिनाकी मिश्रा है बीजेपी नेता, उन्होंने कहा कि नए संसद भवन से नए युग की शुरुआत होनी चाहिए, महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। तो देखते हैं इसको सरकार क्या इस इंटरेस्ट क्या इस पर रोक लेती है। ये पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन शुरू होगा तो उसमें देखते हैं इसमें आगे क्या बात होती है। और मित्रों आज क्रिकेट को लेकर बड़ी अच्छी खबर है कि भारत 8वीं बार एशिया कप चैंपियन बन गया है, और आज भारत ने आज श्रीलंका को महज 50 रन में धूल चटा दी, और 6.1 ओवर में भारत ने 51 रन बनाए और जीत गए। और सिराज ने आज जो हीरो रहे वो रहे मोहम्मद सिराज, जिनको मियाँ जी भी बोलते हैं, मियाँ सिराज। तो मियाँ सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट लिए, और एक ही ओवर में उन्होंने 4 विकेट लिए, 3 विकेट हार्दिक पांड्या ने लिए। तो आज ये जीत तो बहुत ही शानदार है, और इस जीत के बाद अब वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वनडे सीरीज भी होने वाली है, उसके लिए भी देखते हैं कि हमारी टीम में कितनी ताकत है। तो मित्रों आज जो CWC की मीटिंग हुई हैदराबाद में, उसमें कांग्रेस का कहना कि अनुशासित और एकजुट रहने की ज़रूरत है, और राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के जाल में न फंसे, दूर रहे। और मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ईमानदारी से तय होगा कानूनी पेशे का भविष्य, छत्रपति संभाजी नगर में उन्होंने एक प्रोग्राम में कहे थे, उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया का मूर्ख बन सकते हैं, और पूरी दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन अपने विवेक को मूर्ख नहीं बना सकते। बहुत विद्वान है जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो मित्रों इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, जैसे कि
अखिलेश 25 से छत्तीसगढ़ में चुनाव का अभियान की शुरुआत करेंगे। पिछली सरकारों ने बिना मतलब के ऋण हुए और नगर देश का जो है वो अभी तक भुगतान हो रहा है, यानी जो पिछले सरकारों ने और जो प्रधानमंत्री ने इंडिया हटा दिया, अब इंडिया की बात ही नहीं करते, अब वो भारत की बात करते हैं, हर जगह भारत लिख रहे हैं। और आज लोकसभा ने भी अपने जो उनका बुलेटिन है उसमें भी भारत लिखा गया है कि भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है, भारत का अंग्रेजी में हिंदी में तो भारत लिखते थे, अंग्रेजी में इंडिया लिखते थे, तो उसमें भी भारत ही लिखा गया है उनके बुलेटिन में। तो इस भारत को लेकर काफ़ी चर्चाएं होने वाली हैं। मित्रों, तो हमारे देश में चीता जो अभियान है उसका 1 साल पूरा हो रहा है आज ही के दिन। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने नामीबिया से आए 8 चीतों को उन्होंने नेशनल पार्क में छोड़ा था। उसमें से फिर 20 उसमें हुए थे, लेकिन उसमें कुल मिलाकर 8 चीतों की मौत हो चुकी है। 3 शावक थे उनकी भी मौत हो चुकी है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर इसकी सफलता विफलता पर चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ भी काम कर अगर कोई काम होता है तो उसके सामने चुनौतियां तो आती हैं। हो सकता है कि 1 साल के बाद अब जिसमें चीज़ें धीरे धीरे सुलट रही हैं तो इसमें इस प्रोजेक्ट को आगे और गति मिलेगी। हालांकि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लोगों का कहना है कि प्रोजेक्ट सफलता की ओर जा रहा है, तो प्रोजेक्ट सफल हो इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।